हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल T24 हिंदी में। दोस्तों यार, काफ़ी सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों को अभी Realme 2 Pro में Realme UI का अपडेट नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपने Realme 2 Pro में Realme UI का अपडेट नहीं मिला है तो आज के इस वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Realme UI को मैन्युअली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं Realme 2 Pro के लिए एंड उसे कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। फुल प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एंड वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिनका ध्यान रखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में Realme ने Realme UI 0.8 वाला अपडेट Realme 2 Pro के लिए रोल आउट कर दिया था। कई सारे लोगों को अपडेट मिल चुका है एंड कई सारे लोगों को अभी भी अपडेट नहीं मिला है। सो उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आपको वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस अपडेट को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, अगर अपडेट की साइज की बात करें तो अपडेट आपको 2.94 GB की देखने को मिल जाएगी। सो आप वहां से क्लिक करके सिंपली अपडेट को डाउनलोड कर लीजिए एंड अपडेट डाउनलोड करने से पहले आप एक काम कर लीजिए, आप अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट, इंपॉर्टेंट फोटोज या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, आप उसका बैकअप किसी दूसरे फ़ोन में ले लीजिएगा, या फिर आपके पास SD कार्ड हो तो आप SD कार्ड में उसका बैकअप भी ले सकते हैं। एंड बैकअप लेने के बाद आप SD कार्ड को रिमूव कर दीजिएगा एंड अपडेट डाउनलोड होने के बाद आप सिंपली उस अपडेट वाले फाइल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा अपडेट नाउ का ऑप्शन। आप सिंपली अपडेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोन को साइड में रख दीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं, अपडेट होने में कम से कम 20 या 25 मिनट भी लग सकता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने फोन को साइड में रख दीजिएगा एंड आप अपना कुछ और काम कीजिएगा, कुछ देर बाद आके देखिएगा तो आपका फोन अपडेट हो चुका होगा। अपडेट के बीच में आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, स्क्रीन पे कोई भी टैप नहीं करना है, वो अपडेट अपने आप हो जाएगा, तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आपको डाटा बैकअप लेने के लिए मैंने क्यों कहा। डाटा बैकअप लेने से आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट फोटोज वगैरह डिलीट नहीं होंगी। कई बार अपडेट होता है तो कई सारे लोगों के फोन में देखने को मिल जाता है कि उनका डाटा डिलीट हो गया, बट मैंने अपडेट किया है, मेरा डाटा डिलीट नहीं हुआ एंड कई सारे लोगों ने अपडेट किया है, उनका भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि आपका डाटा साइट से डिलीट हो जाए, तो इसलिए आपके अपने डाटा का बैकअप पहले ले लेना है। वैसे दोस्तों, अगर आप उसे सेफली इंस्टॉल करते हैं, बीच में उसे टच वगैरह नहीं करते हैं, फोन को साइड में रख देते हैं, तो आपका भी डाटा डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने Realme 2 Pro में Realme UI का लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये स्टेबल अपडेट है, मैंने पहले भी बोला था कि एक स्टेबल अपडेट है एंड 0.8 वाला अपडेट बिल्कुल भी स्टेबल अपडेट है, इसलिए इसकी डाउनलोड लिंक Realme ने शेयर भी कर दिया है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।